हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खेले 47। और फ्रेंड्स, ये जो गेम है हॉरर फील्ड, इसमें हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिनका नाम है मयंक यादव जी। इनका एक सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है, एक्चुअली कोशिश की और मुझे उसका जवाब मिल गया है। और उनका सवाल ये था कि इस गेम में उन्हें एज ए साइको खेलना है, लेकिन उन्हें साइको कहाँ से ले, किस तरह से उन्हें अनलॉक करे, वो उन्हें नहीं मिल रहा है। और मुझे इस बात का ताज्जुब हुआ कि क्यों नहीं वो इसको हासिल कर पा किसी भी साइको को, क्योंकि पहला ही जो साइको होता है वो मिल जाता है आपको पांचवें लेवल पे। यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ लेवल के ऊपर वो सब कुछ था। और यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ मैंने डेली रिवॉर्ड्स वगैरह कलेक्ट नहीं किए जो कि मैं अभी किए, मैंने यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह देख के भी हमें करना होता है वगैरह वगैरह। तो मैं ये कह रही थी कि मेरा यहाँ पे कुछ 14 तक का लेवल हो गया था और मैंने और दो सर्वाइवर भी अनलॉक कर लिए थे, एक मैरी जो मेडिक है और एक जो अच्छा खासा इंजीनियर है, एक जाड़ा सर्वाइवर, वो कर लिया था। लेकिन वो लेवल के ऊपर था और पहला साइको पांचवें लेवल पे था। हम जैसे ही उसके ऊपर किसी भी कैरेक्टर के ऊपर स्टार्ट गेम करते तो उसमें ग्रीन में लिख के आता था कि आपके लिए इतना लेवल आप जब करोगे तब आपको जाके ये कैरेक्टर मिलेगा वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब से मैंने वो पहला साइको और दो और सर्वाइवर अनलॉक कर लिए थे। तो मैंने सोचा कि भाई ये इतना आसान चीज़ है, अब ये क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने इसमें जाके देखा और मुझे उसका जवाब मिल गया है कि उसमें क्या है। और हाँ, मैंने ये डेली रिवॉर्ड्स वगैरह भी इतने दिनों से मैंने नहीं खेला था तो ये कलेक्ट नहीं किए थे, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें भी बना के रखी थी। और क्या बोल रही हूँ, हाँ, और हमारे एक दूसरे फ्रेंड है जो उन्होंने हमें ये पूछा था, उनका नाम है अर्निंग अनलिमिटेड उनके चैनल का। तो उन्होंने पूछा था कि भाई वो गोल्ड कॉइन्स कहाँ से इतने मिलते हैं। तो ये देखिए, डेली रिवॉर्ड में भी आपको मिल जाते हैं, आप जब गेम खेलते हो तो उसमें आप जब जीतते हो, टाई होती है तब भी आपको मिलते हैं। आप हार जाते हो तो आपको गोल्ड कॉइन्स नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे जो कुछ चीज़ें जो खरीदने के लिए दी जा रही हो, आप बिल्कुल भी मत खरीदिए, क्योंकि ऐसे गेम्स में आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है और पैसे लगा के कोई भी सर्वाइवर या कोई भी साइको अनलॉक नहीं करना है। एक्चुअली अनलॉक है आपको मिस एज प्ले करने के लिए वो नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मुझे उसका जवाब जो मिल गया है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन ये जब ट्राई कर रही थी कहाँ कहाँ जाके, तब हिसाब से मैंने यहाँ वहाँ देखा तो वो जो लेवल्स है वो उन लोग ने इसमें अभी रखा नहीं है, लेवल के ऊपर नहीं रखा है। इन लोगों ने हमारे लिए मुश्किल कर दिया, यानी कि बहुत ही भारी कर दिया, कह दिया कि आप और गेम खेलिए, आपके लिए हमने अपने इजी नहीं रखा हुआ है, आपको इसमें बहुत सारी मगजमारी करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, जब हम कोई भी साइको लेने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे लिख के आता है कि आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं जो कि आपको क्वेस्ट्स में मिल जाएंगे। तो वो चैप्टर हमें कंप्लीट करने हैं, तो पहले कोई भी चैप्टर वगैरह यहाँ पे लिख के नहीं आता था। इसके ऊपर टच करेंगे तो चैप्टर्स नहीं आता था। और यहाँ पे सर्वाइवर्स भी आप देखिए, इनके ऊपर भी आप टच करेंगे तो नहीं लिख के आता था ये चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। वहाँ पे लिख के आता था कि आपको 15 लेवल करना है या आप इतना लेवल करोगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, अब इन्होंने इसमें बहुत ही भारी करके रखा है कि आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो आप देखिए, ये है वो चैप्टर जहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहे कि रिवॉर्ड के तौर पर आपको मिलेंगे ये सारे जो सर्वाइवर है, कि जैसे कि ये पांचवें लेवल में आपको चैप्टर में मिलेगा, ये साइको मिलेगा, छठे में आपको मिलेंगे दो सर्वाइवर्स। तो आपको ये चैप्टर ही किसी भी तरह से कंप्लीट करने हैं। तो हर चैप्टर में आपके जो टास्क है, 9 टास्क है, हर चैप्टर में 9 टास्क है, उनको कंप्लीट करना। यहाँ पे देखिए, मैंने पहला चैप्टर भी नहीं किया हुआ है। दूसरे चैप्टर में देखिए, आपको कोई सर्वाइवर साइको नहीं मिल रहा है। पहले में देखिए, मुझे क्राफ्ट करना है, मैंने एक्चुअली 6 मेरे कंप्लीट है, मुझे और 3 करने हैं। तो एक क्राफ्ट करना है मुझे, ये ड्रिंक मुझे क्राफ्ट करना है। तो एक्चुअली मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसके लिए आप पैसे दे सकते हैं जो कि हमें यहाँ पे मिलते हैं, ये जो कॉइन्स मिलते हैं। और अगर ये देखिए 3000, और या तो आप उसको जल्दी बनाना है तो आप गोल्ड दीजिए, या फिर आप यहाँ पर कोई ऐड देखिए। तो गोल्ड वगैरह आपको इतनी मुश्किल से मिलता है तो वो करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐड देख सकते
सकते हैं और उस तरह से आप वो बढ़ाते जाइए। मैं हमेशा एड्स देखती थी, यहाँ पे मैंने बना दिया है, सिर्फ यहाँ पे मैं टच भी कर दूंगी तो मेरा ये क्राफ्ट हो जाएगा और मेरा वो वाला एक टास्क हो जाएगा। अब सिर्फ मुझे यहाँ पे देखिए, मेरा ये वाला मैंने कर लिया। अब ये मेरा देखो यहाँ पे कंप्लीट मुझे बता रहा है कि ये मेरा हो गया है, तो मैं जाके उसमें वापस देखूँगी कि वाकई मेरा हो गया कि नहीं। यहाँ पे इसके लिए 36 है, दूसरे कैरेक्टर के लिए कुछ और होगा, तो वहाँ पे अगर मैं जाकर देखूँगी, ये देखिए अगर मैं इसको क्वेस्ट्स में जाके देखूँगी तो यहाँ पे मेरे पहले चैप्टर में देखिए अब मुझे कलेक्ट दे रहा है क्योंकि मैंने बना दिया, लेकिन अगला दो करने के बाद मुझे पहला चैप्टर हो जाएगा और उसके अंदर मुझे देखिए यहाँ पे मुझे एक हील टीममेट को, सिर्फ एक टीममेट को हील करना है और दूसरा है जो रैंक है पहले वाला जो जैक सर्वाइवर है उसका टू, उसका रैंक टू करना है, पहला है ही उसका टू करना है, तो मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे के लिए मुझे कुछ और क्विस्ट बोलियो, मुझे कुछ और इन लोग टास्क देंगे, नौ टास्क, उसमें कुछ मुझे शायद ये गोल्ड्स मिलेंगे, उसमें कोई सर्वाइवर या फिर हमारे लिए वो रिवॉर्ड नहीं रखा हुआ है, हमारे लिए गोल्ड्स का रिवॉर्ड रखा गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए अभी मैं सोच रही थी कि इस गेम में मैं एक वो भी करके देखूँ, जैसे मैंने ये क्राफ्ट कर लिया एक अपना ये ड्रिंक, उसी तरह से मैं किसी को हील करूँ। इसके लिए मैंने सोचा अभी मैं गेम खेल लेती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इसमें खेले कुछ 15-20 गेम खेले एक्चुअली, और इसमें मैंने एज अ मेडिक उसको खेला, लड़की को लेकर खेला यहाँ पे, कि क्योंकि वो मेडिक है और बहुत ही फास्ट हील करती है, उसकी वही क्वालिटी है, उसकी वही एबिलिटी है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई उसको लेकर हम खेल लेते हैं। लेकिन बात यह है फ्रेंड्स, इसमें मैंने 15-20 गेम ही खेले, लेकिन मैंने किसी किसी को बचाया भी और उसको हील करने की कोशिश की, लेकिन उन लोग खुद से खुद को हील करना पसंद करते हैं, और पता नहीं क्यों उनको जब ये लोग गेम खेलते हैं तो उन्हें पता है कि ये जो लड़की है वो आपसे भी ज़्यादा तेज़ हील कर सकती है आपको, तो अगर आपके टीम में ये लड़की है तो आप अगर वो हील करिए तो उसे हील करने दीजिए। लेकिन मेरे साथ जो थे जो सर्वाइवर दूसरे लोग थे वो खुद को ही हील करने में लग जाते थे, तो यहाँ पे एक्चुअली ये होता है कि वो जब खुद को हील करते हैं तब आप उनको हील नहीं कर सकते हैं, तो कुछ गेम्स मेरे इसलिए बर्बाद हो गए जो मैं खेल रही थी, कि यही कि मेरा एक टारगेट था मुझे हील करना किसी एक को, लेकिन इसमें क्या हो जाता था कि कोई अगर जेल में पहुँच जाता था तो मैं अपना काम धंधा छोड़ के, जैसे दुरुस्त करना है मशीन, वो वहीं पर छोड़ के उसको ढूंढने लग जाती थी वो जगह जहाँ पर वो जेल खाना होता है, एक्चुअली हर मैप में अलग अलग जगह पर होता है, तो कभी कभी मुझे जल्दी ढूंढ के भी नहीं मिलता था कि भाई कहाँ पे है वो जेल खाना, उस चक्कर में ये हो जाता था कि उनको बचाने के बाद तो दूर में ही उस हंटर के, उस साइको के हत्थे चढ़ जाती थी, वो मुझे ही पकड़ लेता था, तो फिर मैंने इसी तरह से बहुत बार गेम खेला कि मैं वो ही देखने लग जाती थी कि भाई नहीं किसी को डाले वो और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, या फिर मैं कभी कभी अर्ली गेम में यही करती कोशिश करती थी कि मैं कोई मशीन नहीं ढूंढती थी, मैं डायरेक्टली जाती थी उस जगह को ढूंढती थी, सोचती थी कि वहीं पर कहीं पास में बैठ जाएगा किसी को तो वो डालेगा तो मैं उसको जाके छुड़ाऊंगी और उसे हील करूंगी। एक्चुअली ये जो लड़की है वो इतने अच्छा इंजीनियर, उसका इतना अच्छा नहीं है, ये अच्छी इंजीनियर नहीं है, ठीक नहीं, इतना अच्छे से कर सकती, बहुत ही स्लो करती है इसकी स्पीड, इसकी सिर्फ हीलिंग की स्पीड अच्छी है, तो उन्हें छुड़ाने में थोड़ा टाइम लगे वो बात दूसरी है, लेकिन हील तो कर सकते हैं। उस चक्कर में ज़्यादातर ये बात होगी कि मेरा गेम ज़्यादातर मेरे लॉस्ट हो गया एक्चुअली, फिर मैंने छोड़ दिया वो सब झंझट, मैंने सोचा कि नहीं अगर मैं वहाँ से गुजर रही होंगी और कोई वहाँ पे होगा तो मैं उसे छुड़ाने की कोशिश करूँगी, खामखा मैं पहले से वो करने की कोशिश नहीं करूँगी, तो मैंने फिर वो छोड़ दिया और मैंने बोला अगर कोई आ भी रहा है मेरे पास कोई इसे लंगड़ सिंह बन के तो उसे मैं हील करूँगी। और आप भी अगर कोई गेम ही खेल रहे तो आप यही देखिए कि आपकी टीम में अगर ये लड़की है और आपको हील करने की कोशिश करिए, आपके पास भी हीलिंग आपने लिया हुआ हीलिंग और वो जो भी है तो वो देख तो उसे करनी दीजिए हील। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए और एक टिप है यहाँ पे कि आपका दिल जब भी इस तरह से फास्ट धड़कने लगे तो आप उस मशीन के पास मत रहिए, आप वहाँ से भाग जाइए भले ही थोड़ी सी मशीन करनी क्यों ना बाकी हो। तो यहाँ पर लेकिन ये है कि कहाँ पर आपका जो दिल है वो कहाँ पर स्थिर होता है, कम आपका जो धड़कता है वो देखना है, इसलिए एक जगह पर टिके मत रहिए। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हम जहाँ भागते हैं वहाँ से भी हंटर आ सकता है, लेकिन इस गेम में मैंने पूरी पहले से कोशिश की है इस लड़की को कि यानी कि सर्वाइवर जो भी है लड़की इसकी बात नहीं है, तो जब भी ज़्यादा दिल धड़के आप उस जगह पे मत रहिए क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मशीन जब दुरुस्त होने लगती है तो पता चल जाता है हंटर को, उसे वो संकेत ही मिलता है कि यहाँ पे कोई दुरुस्त कर रहा है, यहाँ पे कोई चिल्ला रहा है, लिख के भी आता है कि आप चिल्ला रहे डर से वगैरह, तब वहाँ से आप इमीडिएटली भाग जाइए। बस इसमें थोड़ी सी ये गोची है कि वो कहाँ से आता है वो आपको पता नहीं होता। यहाँ पे देखिए
मैं यहाँ पे ये सोच रही थी कि किस जिसको ये पड़ी हुई है यहाँ पे, जैक को पड़ी हुई है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रुकूँ, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मैं यहाँ से एग्जिट हो गई। तो मैं सोच रही थी कि शायद मैं वहाँ पे कहीं पे रुक के उसको अगर वो जेल में डालता है तो मैं भाग के जाऊँ, फिर से जाऊँ और वो उसे हील कर सकूँ, लेकिन मैं बाहर ही निकल गई और यहाँ पर हम जीत गए दरअसल, और हमें मिल गया हमारा जो भी रिवॉर्ड है। तो मुझे वो हील वाला करने का यहाँ पर मौका ही नहीं मिला, जबकि मैंने कुछ 15-20 गेम खेले। और यहाँ पर मैं आपको यही टिप दे रही हूँ कि जब भी आप एक गेम खेले तो ये लड़की आपकी टीम में और आपको हील करने की कोशिश कर रही हो तो आप उसे हील करने दीजिए। यहाँ पे मैंने कितने लोगों को देखा जो मुझे हील करने दे ही नहीं रहे थे, खुद का खुद ही हील कर रहे थे। तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते, तो मेरा ये टास्क उस वजह से रह गया उसके लिए, इतना गेम खेलने के बावजूद। अब ये रैंक जो है हमारे जो पहले सर्वाइवर जैक है उसका बढ़ाना है, उसके लिए भी आपको एक काम करना पड़ेगा, जैक को लेकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलना पड़ेगा और उसकी जो एबिलिटीज़ है, उसकी जो पावर्स है, उसको आप बढ़ाते जाइए। जो भी उन लोग की हम अपग्रेड कर सकते हैं उनकी पावर्स को, तो वो आप बढ़ाते जाइए। तो यानी कि मैं अभी मेरे लिए तो ये है कि अगर मुझे ये टास्क करना है तो मुझे ये इसके सारे स्किल्स वगैरह वो सब बढ़ाने पड़ेंगे जैक के। और पहला वाला भी उसमें अगर होता है तो हो जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैरी को लेकर हमें वो किसी को हील करना है। आप कोई भी किरदार प्ले कर रहे हो, कोई भी सर्वाइवर हो, तो आपका वो वाला भी अगर हो रहा है तो आप वो भी कर लीजिए। और अगर आपका जो क्या बोल रही हूँ मैं, अगर आपका वो भी हो रहा है साथ में तो अच्छी बात है, और साथ में उसका जो भी टास्क है वो भी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये एक्चुअली जो भी मैं जो वीडियो बना रही हूँ बहुत यानी कि इतना थोड़ा सा जल्दबाजी में हो रहा है, तो आपको बैकग्राउंड में कोई ना कोई कहीं ना कहीं आवाज़ आ जाएगी, उसके लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं उसको पीछे से हटा सकूँ। तो उसके लिए अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, कि आसपास बहुत लोग हैं, उनकी आवाज़ें तो आएगी ही, तो मैं उसके लिए अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकती हूँ। और अभी मैं ये रात में ये वीडियो नहीं बना रही हूँ कि खामोशी हो, एक्चुअली मैं सुबह में बना रही हूँ तो आवाज़ें तो आती है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसकी जो अभी एबिलिटीज़ है वो बढ़ानी है। देखिए, इसको अपग्रेड कर सकते हैं, आपके पास जो इतने कॉइन्स, आप खेलते जाएंगे वो कॉइन्स भी बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए आप, उसका बहुत सारी एबिलिटीज़ है, जैसे इसकी ये पावर आप इस 4000 से कर सकते हैं, तो ये और थोड़ा सा और अच्छा करेगा, जो भी इसका इंजीनियरिंग का जो भी है वो और अच्छा करेगा। यहाँ पर इसके इससे बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए 6 रिक्वायर है, ये जो भी लेवल है मेरे पास है मैं कर सकती हूँ, लेकिन अभी से मैं बता रही हूँ कि आप वो कर सकते हैं, उसके लेवल की ज़रूरत है। इसके लिए भी आपको 6 लेवल की ज़रूरत है कि इसकी स्पीड बढ़ जाए भागने की वगैरह, लेकिन वो मैं कर सकती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बता रही हूँ। इसके लिए 8 लेवल वगैरह वो सब है, तो आप वो सब कर सकते हैं। और हाँ, लेवल एक्चुअली उस किरदार का होगा ऐसा मुझे लगता है, मैं जो बोल रही हूँ कर सकती हूँ, मुझे लगता है उस किरदार का लेवल, गेम का लेवल अलग है और किरदार का लेवल अलग है, तो किरदार का शायद लेवल होगा ऐसा मुझे इसमें लगता है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो किरदार का लेवल है, तो किरदार का लेवल बढ़ाने के लिए भी हमें उसके सब अपग्रेड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए, आप मेरे ख्याल से आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि किस तरह से आपको ये यानी कि आपके साइको को आप साइको और दूसरे सर्वाइवर भी आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत ही आसान था, बहुत आसान था, लेवल सिर्फ आपके आपको बढ़ाते जाने, जो कि आसानी से बढ़ जाते हैं, आप जितना खेलते जाते लेवल्स तो बढ़ते ही जाते हैं। तो इन लोग ने पता नहीं क्या इन लोगों को बीच में सूझी कि इन लोग ने ऐसा कर दिया, चैप्टर्स आपके मत्थे मर दिए, क्योंकि मुझे तो आसानी से उतना खेलने पर, कुछ 14 तक मैंने खेला था, अभी तो मेरा 15 लेवल हो गया, तो उसमें मुझे वो 2 सर्वाइवर्स मिल गए और वो हंटर भी मिल गया। और मेरे ख्याल से वो वाला हंटर कौन सा यार, वो जो दूसरा हंटर है, कुछ लकड़ी लेके झिपरे टाइप का हंटर है, वो जो हंटर है वो आपको 10 मेरे ख्याल से 15 लेवल में मिलता था वो, तो अभी मैं अगर वो लेवल टाइप का होता तो मुझे मिल जाता। यहाँ पे देखिए, जो भी आपको सर्वाइवर्स नज़र आ रहे हैं, आप बोलेंगे कि इसके अंदर कुछ 3 सर्वाइवर, 1 हंटर ही दिख रहा है, 1 साइको दिख रहा है, बाकी के क्या, यही मैं कह रहा था, ये जो झिपरा हंटर या साइको, ये जो है वो कहाँ से, मीन्स
वो वगैरह, मेरे ख्याल से 15 वाला लेवल था इसके लिए, लेकिन अभी आप जब भी टच करोगे आपको सिर्फ यही लिख के आएगा। तो उसके आगे आगे के ही ये सब होंगे, यानी कि आगे जो मुझे पहला अगर जो भी साइको मिलेगा वो यही होगा, इसके आगे वाला नहीं। और जो सर्वाइवर मुझे जो दिखाई दे रहे हैं वो भी, वो जो जाड़ा है उसके बाद वाले जो सर्वाइव वो मुझे मिलेंगे, ऐसा है। और जो अभी, क्योंकि जो मैंने पहले ही उन लोग को हासिल किया इसलिए, लेकिन अगर आप कर रहे हैं, आपने वो हंटर्स वगैरह नहीं किए हैं, तो आपको पहला वाला हंटर मिल जाएगा, मुझे तो दूसरा वाला हंटर मिल जाएगा अगर मैं करती हूँ तो। और यहाँ पे ऐसे भी है कि देखिए, यहाँ पे ये 20 तक का एक हंटर है जो हमें नज़र आ रहा है, हंटर बोल रही हूँ मैं बार बार, साइको है आपको दिखाई दे रहा है। और इसके आगे है, आपको दिख रहा होगा कि बाकी सब ब्लैक में है, जो कि अनलॉक नहीं है, एक्चुअली अनलॉक है, लेकिन प्ले, इसको अगर आपको प्लेबल करना है, प्लेबल, तो आपको वो सब यानी चैप्टर्स वगैरह चाहिए। लेकिन वो जो ब्लैक में देखिए यहाँ पे आगे बता रही है, वो अनलॉक ही नहीं है, तो उनके लिए चैप्टर शायद हमारे लिए अलग से बनाए जाएंगे। अभी जो हमको नज़र आ रहा है वहाँ तक करने के बाद हमें और आगे के दूसरे चैप्टर्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हम और खेलेंगे। जैसे कि अभी हमें शायद 9 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं, वो करने के बाद हमें और चैप्टर्स दिए जाएंगे, हम तब वो कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये देखिए यहाँ पे, मेरे ख्याल से इतने सब तो उस चैप्टर में शायद मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए 4 सिर्फ सर्वाइवर यहाँ पे बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है उतने चैप्टर्स में ये सारे सर्वाइवर मुझे मिल ही जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के जो हंटर्स या साइको है, उसके लिए हमें और चैप्टर्स उन लोग और बनाएंगे मेरे ख्याल से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका जो सवाल था मयंक जी, वो आपको उसका जवाब मिल गया होगा। इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, ये गेम ज़्यादा से ज़्यादा खेलना पड़ेगा, अपग्रेड करते जाना पड़ेगा, और इसका यही जवाब है। अब आप कोशिश कीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही गेम प्लेस के लिए और हमारे दूसरे फनी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल वाले प्रोड्यूसर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स, और मेरे ख्याल से मुझे ये गेम और खेल के देखना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड गुड बाय अगेन फ्रेंड्स।